हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद दांगड़ा आप सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, टेंथ क्लास का मैथमेटिक्स बड़े ही अच्छे ढंग से अपना चल रहा था, जिसके अंदर हमने चार चैप्टर यानी पहले वाले चार चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए। स्टूडेंट्स, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएँ, पॉलिनोमियल यानी बहुपद, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, उसके बाद में फोर्थ चैप्टर अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, ये हमने कंप्लीट कर लिए थे स्टूडेंट्स। और उसके बाद में हमने फिफ्थ चैप्टर शुरू किया था जो था अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। स्टूडेंट्स, आज का सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, इसके लिए आपको स्टूडेंट जुड़े रहना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो थंब इंप्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना। स्टूडेंट्स, जो बच्चे आज के सेशन में नए हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करना, ताकि कोई भी नई वीडियो हम जब भी अपलोड करें, जब भी आपके पास भेजें, तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं 5.1 एक्सरसाइज के पहले दो सम यानी फर्स्ट पार्ट के, फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसके दो पार्ट कंप्लीट हो चुके थे अपने। और उसके अंदर क्या दिया हुआ था स्टूडेंट्स कि अपने को दे रखा था कि नीचे जो भी अपने को सिचुएशंस दे रखी है उसमें आपको ये चेक करना था कि एपी में है या नहीं है। और स्टूडेंट्स, एपी में है या नहीं है इसके लिए हमें क्या चेक करना था, डी। अगर डी सभी सिचुएशन के अंदर सेम आता जाए तो वो एपी यानी समांतर श्रेणी होगी, और अगर अलग अलग आता जाए तो वो क्या होगा, समांतर श्रेणी में नहीं होगा। वही चीज़ हम चेक करेंगे। थर्ड पार्ट हम करें स्टूडेंट फर्स्ट सम का, जिसके अंदर अपने को स्टेटमेंट दे रखी है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% एन्यूम। कहता है कि सिचुएशन अपने को दे रखी है कि 10,000 रुपये अगर मैं अकाउंट में जमा करवाऊं और उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट मिले मेरे को कितना, 8%, समझ में आ गई बात। तो पर ईयर के हिसाब से जो भी मेरे पास इंटरेस्ट बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या वो एपी में होगा या नहीं होगा, वो हमें चेक करना है। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसान है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है ना बेटा, वो आपको याद क्या रखना है, आपने पढ़ा भी होगा, क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस में रेट डिवाइड बाय 100 पावर टी और माइनस पी, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ये। और अगर बाय द वे आपने ये पी माइनस ना किया तो स्टूडेंट्स ये किसका बन जाएगा अपने पास, कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला। अब स्टूडेंट्स आप पूछोगे कि सर हमने तो यही पढ़ा इतना ही, तो वो इंटरेस्ट का फॉर्मूला माइनस पी क्यों हुआ। स्टूडेंट्स, माइनस पी ऐसे हुआ कि अगर आपने मान लो 10,000 रुपये दिए थे, समझना की बात, और आपका कंपाउंड अमाउंट बना था मान लो 12,500 रुपये, तो आपको 12,500 रुपये मिल गए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि 12,500 रुपये इंटरेस्ट है आपके पास, नहीं, 10,000 आपने दिए थे, ठीक है बेटा, उसके बाद में 2,500 रुपये जो एक्स्ट्रा आए हैं ना वो आपको इंटरेस्ट मिला, यानी जो प्रिंसिपल मैन जो था, मूलधन जो था, वो मेरे को क्या करना है, टोटल अमाउंट में से माइनस करना है, कंपाउंड अमाउंट में से माइनस करूंगा तो ही मेरे पास क्या आएगा, इंटरेस्ट बचेगा। बात समझ में आ रही बेटा, इसलिए हम क्या करेंगे इसमें से पी को माइनस करेंगे, समझ में आ गई बात। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 पावर टी माइनस पी, और कई जगह ऐसे भी लिखा होगा स्टूडेंट्स, यहां पर 1 किया होगा और ये ऐसे ब्रैकेट लगी होगी, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसमें भी पी था ना यहाँ पर और यहाँ पर भी पी था, तो पी कॉमन निकाल लिया, बस सिंपल, इतना ही तो काम किया है। तो अब स्टूडेंट्स अपने पास देखिए, ध्यान से समझते जाना है, प्रिंसिपल अपने पास कितना स्टूडेंट्स, 10,000, टाइम कितना स्टूडेंट्स, टाइम अपने पास पर ईयर निकालना है तो पहले हम एक साल का ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, और रेट अपने पास कितना स्टूडेंट्स, वो दे रखा 8%। तो अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालता हूँ मैं, तो फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, 10,000 इंटू 1 प्लस, ये ब्रैकेट मैं पहले लगा देता हूँ स्टूडेंट्स, रेट, रेट कितना स्टूडेंट, 8 बाय 100 पावर टी, टी कितना स्टूडेंट्स अपने पास, टाइम 1 ईयर लिया था, माइनस में 1, समझ आ रहे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, जुड़े रहना है। तो अब देखिए हम आगे सोल्व करते हैं इसको, 10,000 इसको सोल्व कर लो, 4 से कट गया, 4 × 8 और 25 × 100, 25 से कम 25 और दो 27/25, उसके ऊपर पावर कितने स्टूडेंट, 1, और यहाँ पे अपने पास आ गया माइनस का 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए स्टूडेंट इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं हम, 10,000 मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास बन जाए स्टूडेंट 27/25,
माइनस में 10,000 किसके साथ गुणा करूँ तो कितना हो गया स्टूडेंट, 10,000 ही हो गया। इससे इसको कैंसिल कर दो, 25 से इसके ऊपर कैंसिल किया तो अपने पास आ गया स्टूडेंट 400। 27 की या 27 है स्टूडेंट, 27 की और 400 की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो देखिए 20 तो 20 बनी गई, 4 7 28 और 4 2 8, 8 और 2 10, 10,800 माइनस में अपने पास कितना पड़ा स्टूडेंट, 10,000 है। तो अपने पास इंटरेस्ट कितना आ गया, 800 रुपये, यानी एक साल का जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो अपने पास कितना होगा स्टूडेंट, 800 रुपये होगा। तो सबसे पहले अपने पास क्या बन गया स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट आया है सॉरी इंटरेस्ट आया वो कितना आ गया, 800 रुपये आ गया। समझ में आ गई बात, अब हर बार कितना बढ़ता जाना चाहिए स्टूडेंट, 800 800 ये अगर बढ़ेगा ना तो वो एपी में होगा, अदरवाइज एपी में नहीं होगा। तो एक साल का हमने निकाल दिया, अब हम दो साल का इसको फाइंड करते हैं। ये याद रखना स्टूडेंट, 27/25 आएगा तो अब की बार पावर 2 कर देंगे हम, और माइनस में 10,000 का 10,000 कर देते हैं। तो अब हम किसके लिए लेके चलते हैं स्टूडेंट्स, दो साल के लिए, चलिए हम दो साल वाला करते हैं अभी। तो देखिए अपने पास क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 10,000 गुणा में 27/25 गुणा में 27/25 माइनस में 10,000। स्टूडेंट्स ये दो बार मैंने 27/25 क्यों किया, क्योंकि अब की बार टाइम मेरे पास कितना था, दो साल था। समझ में आ रहा है, इससे इसको कैंसिल करो, 25 पे ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट, 400 पे और कैंसिल होता है तो और कर दो, 25 से कम 25 बच गए 15 25 ही 150, यानी अपने पास आ गया स्टूडेंट 16। अब 27 27 गुणा में 16 इनकी मल्टीप्लाई कर लो, तो करते हैं हम 16 की 27 के साथ, पहले तो 27 27 27 का स्क्वायर करके देखो स्टूडेंट्स, 7 7 49, समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, 7 7 49, 7 2 14 और 4 18, उसके बाद में 2 7 14 यानी 27 2 54, आपके पास कितना आ गया स्टूडेंट्स, 9 8 और 4 12, 5 और 1 6 और 1 7, 729। तो यानी अपने पास आ गया स्टूडेंट 729, इन दोनों की मल्टीप्लाई, अब 16 और रह गया तो इसकी भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 निमा 144। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं अपने पास, चलो 6 से कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो 6 निम 54, 6 2 12 और 5 17, 6 7 42 और 1 43, उसके बाद में अपने पास आ गया स्टूडेंट 729, इसको जोड़ो 4 9 7 16, यहाँ पर बच गए स्टूडेंट्स 1 3 और 2 5 और 1 6, उसके बाद 7 और 4 11, यानी अपने पास कितना गया स्टूडेंट 11,664, इनकी मल्टीप्लाई आ गई स्टूडेंट्स अपने पास 11,664 माइनस में ये 10,000, जैसे ही हमने सोल्व किया तो अपने पास आंसर कितना गया स्टूडेंट 1664, यानी सेकंड जो अपने पास आ रहा है स्टूडेंट्स वो इंटरेस्ट आ रहा है 1664। पहले साल में कितना आया 800 रुपये, सेकेंड ईयर में कितना है स्टूडेंट 1664 रुपये, यानी इंटरेस्ट जो है वो हर बार सेम नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब गिवन सिचुएशन एपी में नहीं है, बस सिंपल इस तरीके से आपको ये सम करना था। समझा गया बेटा बात, उसके बाद में जो इसका सॉरी ये फोर्थ पार्ट था, थर्ड पार्ट के अंदर आपको दे रखा था स्टूडेंट्स कि हमने एक कुआं खुदवाया है वो 250 रुपये वाला इस तरीके से, तो उसके अंदर देखो हर मीटर के बाद में कितने रुपये बढ़ा रहा है, 50 रुपये बढ़ा रहा है ना, तो वो एपी में बनेगा, जैसे फर्स्ट पार्ट किया ना फर्स्ट इसका, उसी तरीके का वो आगे वाला सम दे रखा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप उसको सोल्व कर दोगे। नेक्स्ट अपने को सम दे रखा स्टूडेंट सेकंड, कहता है राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो, कहता है कि पहली चार टर्म आप लिखो, अगर आपको ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म जो है वो ए की वैल्यू आपको दे रखी है और डी की वैल्यू भी आपको दे रखी है। तो स्टूडेंट्स अपने पास दे रखा है ए की वैल्यू अपने को 10 दे रखी है और डी की वैल्यू भी अपने को 10 दे रखी है, और अपने को पहली चार टर्म यानी A1 A2 A3 और A4 निकालनी है। समझ आ गई बेटा बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए A1 का मतलब पहली टर्म, और पहली टर्म अपने को दे रखी है स्टूडेंट्स A, अब हमें आगे वाली टर्म निकालनी है 2 3 4 ये। अब स्टूडेंट्स एक चीज देखिए, यहां पर मेरे पास A पहली टर्म है उस A1, उसके बाद में A2, उसके बाद में A3, उसके बाद में A4, अगर मैं पहली टर्म निकालूं तो ये A ही बनेगा, दूसरी टर्म अगर मेरे को निकालनी है तो पहली टर्म के अंदर मेरे को क्या करना है स्टूडेंट्स D यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो जोड़ना है, चाहे माइनस का तो माइनस करना है प्लस का तो प्लस का करना है, यानी मेरे पास बन जाएगा A+D, ये मेरे पास कौन सी टर्म आएगी दूसरी टर्म। अब अगर बाय द वे मैं तीसरी टर्म देखूं स्टूडेंट तो मेरे को क्या करना पड़ेगा A3 के लिए जो मेरे पास दूसरी टर्म है उसके अंदर मेरे को क्या करना स्टूडेंट डी और जोड़ना है, यानी इसमें भी डी जोड़ा फिर आगे वाले में डी जोड़ूंगा। अब एक चीज देखो
A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, A प्लस डी, यानी A प्लस डी ये हो गया और प्लस में D ये हो गया, तो अपने पास कितना बन गया स्टूडेंट्स, A प्लस 2D। तो यहाँ से आपने एक चीज़ नोट की, A3 आता तो यहाँ पे 2D आएगा, A2 था तो यहाँ पर D आएगा, यानी जितने जो भी टर्म हमें निकालनी है उससे एक कम D लिखना है। बात समझ में आ गई ना, A प्लस में। तो अब अगर A4 निकालना तो क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, A प्लस 3D। A5 अगर निकालना है तो क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, A प्लस 4D। इसका मतलब अगर मैं An निकालूंगा तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, N में से एक कम कर दूंगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना स्टूडेंट्स, आपको जो मर्जी टर्म निकालने का बोल दे, आप 20वीं टर्म निकालो तो ए 20 बराबर ए प्लस 20 माइनस ए कितना हो गया 19 गुना में डी। बस सिंपल यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो अब हमें निकालना स्टूडेंट्स A1 अपने को दे ही रखा है, अब हमें निकालना क्या आगे A2, और A2 का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा क्या स्टूडेंट, A प्लस डी। और अगर नहीं पता चला ना A प्लस डी तो यहाँ पर 2 पुट करके देख लो, A2 यानी किसी का 2 तो यहाँ भी 2 पुट करूँगा, तो A प्लस 2 माइनस में 1 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 1 इंटू में डी। तो अपने पास A2 कितना बन गया स्टूडेंट्स, A प्लस डी ये बनेगा ना, तो A प्लस डी। A अपने पास कितना है 10 और D भी कितना स्टूडेंट्स 10, तो अपने पास आंसर कितना गया 20, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में A3 निकालते हैं, A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D। A मेरे पास कितना स्टूडेंट्स 10 प्लस में 2 इंटू डी की वैल्यू कितने स्टूडेंट्स 10। अब इसको सॉल्व करूँगा, कई बच्चे ऐसे कर देते हैं गलती, कहते हैं स्टूडेंट 10 और 2 12, 12 दाया 120, ऐसे मत कर देना। बोर्ड मास का फॉर्मूला याद होगा, बोर्ड मास के अंदर सबसे पहले ब्रैकेट फिर ओ फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट इसके अंदर है नहीं, ऑफ भी कहीं नहीं लिखा हुआ, डिवीजन भी इसके अंदर है नहीं, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे हम मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 10 दुनी 20, 20 प्लस में 10 कितना बन गया स्टूडेंट्स अपने पास 30। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, जुड़े रहना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर करना है और थंब इंप्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना। उसके बाद में A4 अगर हम निकालें तो A प्लस 3D, तो A की वैल्यू अपने पास 10 है प्लस में 3 और D की वैल्यू कितने स्टूडेंट 10, 10 3 जा 30, 30 प्लस 10 आंसर कितना गया स्टूडेंट 40। बस ये जो मर्जी टर्म आपको बोल दे, अब आपको मैं ये बोल दूं कि आप 19वीं टर्म निकालो तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, A प्लस 18D लिखा, A की जगह 10 था प्लस में 18 इंटू डी की जगह भी 10, इन दोनों की मल्टीप्लाई 180, 180 और 10 कितना गया स्टूडेंट 190। बस कर दोगे ना सोल्व, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से सारे सम आपको सोल्व करने हैं, इसके माइनस वाले जो सम दे रखे हैं स्टूडेंट्स, जो माइनस वाले हैं उसको भी मैं करवा देता हूँ क्या, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। थोड़ी बहुत भी चेंजिंग हो जाती है ना तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसको हम कैसे करें, तो मैं आपको वो सम भी करवा देता हूँ। तो देखिए, एक सम अपने को दे रखा है स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू अपने पास -1 है और डी की वैल्यू अपने पास स्टूडेंट्स प्लस का 1/2 है। मेरे को निकालने कौन कौन से है, A1 A2 A3 और A4। तो फर्स्ट टर्म तो मेरे पास है ही, अब A2 A3 और A4 निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे। A2 का फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट्स, A प्लस डी। कैसे बना वो, इससे बना, An का फॉर्मूला जो था उससे क्या था फॉर्मूला स्टूडेंट्स अपने पास, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब N की जगह 2 रखा तो यहाँ पे 2 माइनस 1, तो A प्लस डी बच गया कि नहीं बच गया। बस इसी तरीके से तो A अपने पास -1 है प्लस में D की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 1/2, इसके नीचे 1 किया एलसीएम आ गया 2, 1 से 1 2 को डिवाइड किया आंसर कितना बना स्टूडेंट्स 2 बना, 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई -2 प्लस में 2 से 2 को डिवाइड किया आंसर बना अपने पास 1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, तो अपने पास -2 प्लस 1 आंसर कितना गया स्टूडेंट्स 1/2, किसका माइनस का। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने पास A2 है वो आ गया स्टूडेंट माइनस का 1/2। उसके बाद में नेक्स्ट निकालते हैं A3, A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D, A की जगह -1 प्लस में 2 और D की जगह स्टूडेंट्स 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास माइनस का 1 प्लस का 1 ये बचेगा ना, -1 प्लस 1 कट गया आपस में, आंसर क्या आ गया 0। इसका मतलब A3 अपने पास आ गया स्टूडेंट 0। अब हम निकालते हैं स्टूडेंट्स A4, और A4 का फॉर्मूला A प्लस 3D, तो A की जगह अपने पास -1 है प्लस में डी की 3 और D की जगह 1/2 यही है। अब देखिए 3/2 बन गया ना, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट 3/2, इसके नीचे 1 एलसीएम कितना आ गया 2, प्लस के 1 से यानी 1 से 2 को डिवाइड किया 2, 2 की -1 से मल्टीप्लाई माइनस का 2,
प्लस में 2 से 2 को डिवाइड किया आंसर 1, और 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3, आंसर कितना गया स्टूडेंट्स प्लस का 1/2, तो यानी A4 अपने पास आ गया स्टूडेंट्स 1/2 प्लस का। तो इस तरीके से अपने चारों की चारों टर्म आ गई। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो थंब इंप्रेशन लाइक का बटन जरूर दबाना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं, अभी इसी का एक पार्ट और करते हैं, उसके बाद में थर्ड सम की तरफ चलेंगे हम। माइनस वाला 1.25 वाला वो करवा देता हूँ आपको। मैथ रफ नोटबुक और पेन अपना पास में जरूर लेके बैठे बेटा। तो देखिए ए की वैल्यू अपने पास है स्टूडेंट -1.25 और डी की वैल्यू अपने पास -0.25, और मेरे को निकालने कौन सी वैल्यू है? पहले चार टर्म यानी A1, A2, A3 और A4। पहली टर्म अपने पास है, आगे वाली तीन टर्म निकालनी है। A2 निकालते हैं, A2 का फॉर्मूला स्टूडेंट्स A प्लस डी, ए की जगह कितना है -1.25, प्लस में डी की जगह कितना स्टूडेंट्स माइनस का 0.25। तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, समझ में आ रही बात। अब इनको हम सोल्व कर देते हैं तो अपने पास कितना बन जाए स्टूडेंट माइनस का 1.50, यानी आपके पास माइनस का 1.5 आंसर आ गया। इनको ऐड कर दिया मैंने क्योंकि माइनस माइनस थे दोनों ऐड हो गया, आगे साइन किसका रह गया स्टूडेंट्स माइनस का। उसके बाद में हम निकालते हैं स्टूडेंट्स A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D, A की जगह -1.25 प्लस में 2 इंटू डी की जगह स्टूडेंट्स अपने पास माइनस का 0.25। अब इसको सोल्व करते हैं, -1.25 2 की जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा स्टूडेंट्स, देखिए पॉइंट हटा दिया मान लो तो 25 बन गया, 25 की 2 से मल्टीप्लाई कितनी होगी 50, तो अपने पास बन जाए स्टूडेंट माइनस का 0.50। बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे ऐसे बनेगा ना, देखो 0.25 था, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 की 5 से मल्टीप्लाई, 2 5 10, 2 की 2 से मल्टीप्लाई, 2 5 2 दूनी 4 और 1 5, पॉइंट में 0.50 आया कि नहीं आया? आ गया ना, समझ में आ रहा है? तो इसको ऐसे सोल्व कर दिया। अब आप क्या करो स्टूडेंट, इन दोनों को ऐड कर दो, यानी आपके पास आ जाएगा माइनस का 1.75। तो नेक्स्ट अपने पास जो A2 तो आ गया स्टूडेंट्स अपने पास माइनस का 1.5 और A3 अपने पास आ गया माइनस का 1.75, ऐसे ही A4 आप फाइंड कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ में आ रहा है ना। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम थर्ड सम की तरफ, और फोर्थ सम में आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा स्टूडेंट्स, बाकी खुद करके देखोगे, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फोर्थ सम के अंदर आपको सिर्फ यही बताना है कौन सी तो एपी है, कौन सी एपी में नहीं है, और अगर एपी है तो डी निकाल दो और फर्स्ट टर्म निकाल दो। तो आपको पता चल गया एपी कौन सी होती है, जब डी सेम आएगा, यानी हर बार डी एक जैसा बढ़ता रहे या एक जैसा घटता रहे, तो वहां पर अपने पास क्या बन जाए स्टूडेंट्स एपी बन जाएगी, यानी समांतर श्रेणी बन जाएगी, और अदरवाइज समांतर श्रेणी नहीं बनेगी। तो नेक्स्ट हम अपने को देखा स्टूडेंट थर्ड, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, बस फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। 3, 1, -1, -3, 3, 1, -1, -3, ये एपी दे रखी है, ऐसे चलती जा रही है, कहता है कि फर्स्ट टर्म निकालो और डी निकालो। तो फर्स्ट टर्म अपने पास है स्टूडेंट्स क्या आ गया 3, और डी निकालने का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स A2 - A1, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करना है माइनस करना है। तो 1 - 3 करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स -2। अब देखिए इसमें से इसको माइनस करूंगा, अगर थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस करना है तो -1 में से माइनस करना है किसको 1 को, तो -1 और -1 कितना है स्टूडेंट्स -2। ऐसे ही -3 में से इसको माइनस करूंगा तो -3 में से माइनस करना है किसको -1 को, तो -, यानी -3 + 1 आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स -2। तो अपने पास ए तो आ गया स्टूडेंट सॉरी, और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट स्टूडेंट 1/3, 5/3, यही सम करवा रहा हूं आपको थर्ड पार्ट फ्रैक्शन वाला। देखिए बड़ा आसान सम है स्टूडेंट, बस जुड़े रहना आपको 1/3, 5/3, उसके बाद में 5/3 है ना, हाँ 5/3, उसके बाद में 9/3, उसके बाद में 13/3, ऐसे चलता जा रहा है। अपने को बताना है फर्स्ट टर्म क्या है और डी क्या है, तो फर्स्ट टर्म आपको पता चल गया स्टूडेंट्स 1/3 है, उसके बाद में डी निकालते हैं तो डी का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स A2 - A1, A2 अपने पास कितना है 5/3, माइनस में A1 कितना स्टूडेंट्स 1/3, तो एलसीएम कितना आ गया 3, 3 से 3 को डिवाइड किया आंसर 1, 1 की 5 से मल्टीप्लाई 5, माइनस में 3 से 3 को डिवाइड किया आंसर 1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, आपके पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स 4/3। स्टूडेंट्स एक चीज़ नोट किया आपने यहाँ पर, जब नीचे वाले सेम थे ना
तो ऊपर वालों को माइनस कर दो, अगर प्लस होता तो प्लस कर दो, माइनस होता तो माइनस कर दो, तो आपको एलसीएम लेने के अंदर इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ रही बात? तो आपको क्या करना है, फाइव माइनस वन कर दिया सीधा फोर, देखिए नीचे इन दोनों में भी सेम है ना, तो नाइन माइनस फाइव करोगे तो कितना बनेगा फोर बाई थ्री, थर्टीन माइनस नाइन करोगे तो भी फोर बाई थ्री, तो आपके पास ये एपी है और फर्स्ट टर्म आपके पास वन बाई थ्री और डी आपके पास है स्टूडेंट्स फोर बाई थ्री। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आगे वाला एक सम और देखा स्टूडेंट्स, पॉइंट वाला 0.6 वन बाई सेवन, ये वो भी मैं आपको करवा देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना रहे। 0.6, 1.7, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ऐसे चलता जा रहा है। तो देखिए ए तो अपने पास आ गया स्टूडेंट 0.6, अब डी निकालना है। डी का फॉर्मूला क्या था, ए टू माइनस ए वन, ए टू अपने पास कितना है 1.7, माइनस में डी ए कितना स्टूडेंट्स ए वन 0.6, इसमें से इसको माइनस कर दो के तो सात में से छह गए एक और एक में से जीरो गया एक, यानी अपने पास आ गया स्टूडेंट 1.1। ऐसे ही अगर मैं 2.8 में से 1.7 माइनस करूँ तो 2.8 में से 1.7 माइनस कर रहा हूँ स्टूडेंट, आठ में सात गया एक, दो में से एक गया एक, पॉइंट 1.1 आएगा। 3.9 में से इसको माइनस कर लो, 3.9 2.8 माइनस करते हैं तो 9 में से 8 गया 1, 3 माइनस 2 1, 1.1। यानी हर बार D सेम आ रहा है तो AP में है ना, पता चल रहा है कि AP कब होती है, जब D हमेशा क्या रहे स्टूडेंट्स सेम रहे तो AP होती है, अदरवाइज वो AP में नहीं होती। तो इस तरीके से अपनी ये 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है स्टूडेंट्स। फोर्थ जो सम है ना, उसके अंदर आपको सिर्फ चेक करना है कि एपी है या नहीं और एपी कब नहीं होगी स्टूडेंट्स। अगर ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू, ए फोर माइनस ए थ्री, ये सेम ना आए ना, ठीक है स्टूडेंट, एक जैसा ना आए, डी एक जैसा ना आए तो एपी में नहीं है, और अगर सेम आ जाए तो एपी में होगा, और अगर बन जाए वो एपी में तो फर्स्ट टर्म बता देना और डी जो आपके पास आंसर आया अभी हमने निकाला उसी तरीके से वो भी निकाल देना। तो इस तरीके से मैं उम्मीद कर सकता हूँ स्टूडेंट आपसे कि आप आगे वाला समझो फोर्थ है वो कंप्लीट कर दोगे। हाँ, एक आधा समय रूट वाला है मान लो, या कोई पॉइंट वाला दे रखा है वो मैं करवा दूंगा आपको, लेकिन सबसे पहले आप करके देखोगे उन सम को भी करके देखो, क्योंकि बेटा जितनी ज़्यादा खुद प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स उतना ही ज़्यादा आएगा। मैं आपको सम करवा दूंगा, आप कहोगे सर समझ में आ गया हमारे सम, कोई दिक्कत नहीं है, करके खुद देखोगे नहीं तो आपको मैथ नहीं आएगा। तो आपको जुड़े रहना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो, जितने भी आपके दोस्त हैं उनको सभी को शेयर किया करो ताकि आपको जो फायदा मिल रहा है ना वो आपके दोस्तों को भी मिल सके। तो स्टूडेंट्स कल मिलूंगा नए लेक्चर में एक्सरसाइज 5.2 लेके, तब तक आप सभी इन एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए और अपनी स्टडी का एंजॉय कीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक यू।